Assalamualaikum. स्वागत करते हैं, वेलकम सम्मानित आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आप लोग का कुदरत सलाफ खान और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं। ये है इंडिया विल लीड साउथ ऑफ एशियाज इकोनॉमी सेज वर्ल्ड बैंक। अच्छा मतलब इतनी आगे जाएगी कि एशिया की इकोनॉमी को पिछाड़ देगी। ये इंडिया अभी भी कंट्रोल कर रही है अगर देखी जाए। साउथ एशिया में तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या हुआ है, कौन सी रिपोर्ट आई हुई है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ओके स्टार्ट। प्रशांत धवन नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है साउथ एशिया को लेकर। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि साउथ एशिया की इकोनॉमी को कोई आगे अगर लेकर जाएगा तो वो होगा इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया टू ड्राइव साउथ एशियाज इकोनॉमी विद 7.5% ग्रोथ रेट। ये कह रहे हैं कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना 31 मार्च को, अभी एज ऑफ नाउ हम 3 अप्रैल में नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको बताऊंगा 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है उसका जो डेटा है कि पूरे ईयर में इंडिया की जीडीपी कितना ग्रो करी थी वो सरकार अभी कुछ महीने बाद बताएगी। मगर वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन करी है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि 7.5% इंडिया ग्रो करेगा। मेरे हिसाब से इनकी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही है, 0.4 या फिर 0.5% कम बता रहे हैं, बट हमको पता लग जाएगा एक दो महीने में कि इंडिया की जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है सरकार के हिसाब से ये क्या है। नाउ इंडिया की ग्रोथ रेट के अलावा वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर ये भी बताया है इनके अनुमान के हिसाब से कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पूरा जो साउथ एशिया है ये भी कितना ग्रो करने वाला है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, वैसे इसमें मजा नहीं आ रहा, ये देख दिस इज मच मच बेटर। नाउ अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो कर पाएगी 1.8%। आप इमेजिन कर सकते हैं, और मुझे पता नहीं है क्योंकि इनकी आबादी रैपिड ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, मोर्टेलिटी रेट 3 के ऊपर है, नए लोग आ रहे हैं। साउथ एशिया में मेरे ख्याल में यही कंट्रीज होते हैं, पाकिस्तान भी होता होगा यार। जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ कैसे काम करेंगे आई हैव नो आइडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के भी अपने चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो 7.5% का आंकड़ा है ये हमारे लिए काफी है, हमें 10% चाहिए। क्या बात कह सकते हैं कि अगर मोदी जी रहा तो ये भी मुमकिन है। कोसो आगे है हम लोग, बांग्लादेश 5.6% ग्रो कर रहा है, नेपाल 3.3%, भूटान 4.9%, मगर एट द सेम टाइम ना 1.8% जॉब्स को लेकर काफी चिंताजनक न्यूज भी सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंटली आर्टिकल देखे होंगे कि आईआईटी बॉम्बे के जो ग्रेजुएट्स हैं 36% जो ग्रेजुएट्स हैं इनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। आई मीन देखो, ढूंढने को नौकरी तो एक बार वो कहने को मिल जाएगी, मगर आईआईटी से जब आप निकलते हो चलते हो, आपने लाखों रुपए ट्यूशन में खर्चे, आपने मेहनत करी है, तपस्या करी है, आपने तो सिला तो होना चाहिए, लेकिन कि फाइनली एक आईआईटी से आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं तब भी आपकी अगर प्लेसमेंट नहीं हो रही तो जॉब मार्केट बहुत ठंडी है। मतलब के जेन्युइनली बिजनेस करो भाई। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आईआईटी बॉम्बे से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं इंजीनियरिंग उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो दिस इज अलार्मिंग। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जो ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है ना, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, इसमें जॉब्स पर फोकस किया है। ये कहा है कि भारत में ग्रोथ तो हो रही है मगर जिस टाइप की ग्रोथ रेट हो रही है यहाँ पे इससे लग रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ होगी, नौकरियां नहीं आएंगी। इंडिया को नौकरियां चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए और जॉब्स तो जॉब्स तो होनी चाहिए भाई। इंडिया के बारे में तो लोगों को फिर पूरे साउथ एशिया के बारे में कही गई है जॉब्स नहीं होंगे, इस तरह ग्रोथ होगी, जॉब्स कम होंगे। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बुरे हाल है जॉब्स को लेकर। साउथ एशिया में देखिए माना जा रहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दुनिया की आबादी कम हो रही है, हमारी आबादी अभी भी या तो बढ़ रही है या फिर हम अपनी आबादी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हो सकता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसका फायदा मिलना चाहिए था साउथ एशिया को, जो यंग पॉपुलेशन है जो एक बार को एनर्जाइज करके पूरे रीजन को आगे लेकर जाती, लग रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिस हो चुका है, इट्स स्क्वांडर्ड। एक अपॉर्चुनिटी थी ये हाथ से निकल चुकी है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए चिंता की बात है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कैटेगोरिकली वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। अनटिल रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट रेशियोज हैव बीन फॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट रेशियोज लगातार गिर रहे हैं,
The region created an average of 10 million jobs a year when the working age population was growing by an average 19 million a year. तो मतलब के 9 million लोगों के लिए हमेशा jobs कमी रही है, job market हमेशा overcrowded रही है. उसकी वजह से देखो obviously होगा क्या, companies भी फायदा उठाएंगी, जो सैलरी पैकेजेस बढ़ने चाहिए थे वो कम रहेंगे क्योंकि कंपनीज कहेगी एक आदमी जा रहा है दूसरा उसको रिप्लेस करने के लिए रेडी है, हमें एक्स्ट्रा पे करने की क्या आवश्यकता है. तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट. और इस सब के अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी वार्निंग दी है कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी आप अगर देखें 10 मिलियन होते हैं ना आस पास है, तो 1 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में जो एक बार को पॉवर्टी में नहीं थी, ये लोग लोअर मिडिल क्लास के आसपास थे, सिचुएशन इतनी ख़राब है कि 1 करोड़ लोग पावर्टी में धकेले जाएंगे. तो कहीं ना कहीं मैं तो सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ को ना वी नीड टू इवेल्युएट कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. एक बार को जियोपॉलिटिकल जो डिफरेंसेज हैं इनको भुला कर अगर हम अपने यूथ के बारे में सोचें ना तो शायद एक बार को हम कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं. बट मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा पाकिस्तान के लिए इट्स अबाउट टू लेट. जो यहाँ पे अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई हैं लगता नहीं है कि सॉल्व होने वाली बहुत मुश्किल है. तो आने वाले महीनों में देखना होगा कि भारत की जीडीपी प्रेडिक्शन के बारे में कौन सही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कह रहा है कि 8% के आसपास पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम ग्रो कर लेंगे, या फिर वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि नहीं आखिरी के कुछ महीनों में दिक्कत आएगी, 7.5% की ग्रोथ रेट मान के चलिए. अगर वर्ल्ड बैंक गलत साबित होता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर की जो इनकी प्रेडिक्शन है 6.6%, ये इसको भी ठीक करेंगे. तो इंडिया के ऊपर है, वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग. मगर फिर भी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमको चाहिए ना 10% के आसपास, उससे फिर भी हम पीछे हैं. बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर यही कहूँगा चाइना की ग्रोथ रेट आप अगर देखो 5% और दुनिया की बाकी कंट्रीज जो हैं उनसे फिर भी वी आर डूइंग मच बेटर. और फाइनली आप सो ये थी वीडियो प्रशांत धवन कैसे उसके चैनल की तरह गया हो दूसरे से दलियान वर्ल्ड अफेयर में भी आई. दरमियान में ही सोच रहा था कि ये तो ITIQ इस तरह कुछ नाम है मेरे ख्याल में, शायद ये दूसरा होगा इनका, इसका दो चैनल है भाई. तो आते हैं भाई वीडियो पे आते हैं जो कि अब इंडिया जो है साउथ एशिया के जो जो कंट्रीज है उनको मतलब इंडिया ही लीड करेंगे. जो इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो तो अब भी सबसे ऊपर है, लेकिन जो इंडिया की जो गवर्नमेंट की टारगेट है कि हमने 10% तक ले जाना है, लेकिन वो का होना चाहिए असल बात वो है. क्योंकि दर इज़ रीज़न अगर देखी जाए इंडिया की पॉपुलेशन एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है. yes. बहुत ज़्यादा है. उस लिहाज से अगर देखी जाए ये भी कम है, ये अभी भी कम है उस लिहाज से. चाइना और इनकी लेवल ही है, लेकिन चाइना से तो इंडिया बहुत ही आगे ना. चाइना की तो ऑलरेडी इनसे इकोनॉमी ऊपर है, उनके ऑलरेडी ऊपर है. तो मैं ग्रोथ 5% ग्रोथ हो रही तो ऑलरेडी उनके ऑलरेडी ऊपर है और 5% और ग्रोथ हो जाएगी. इंडिया की जो है 5th नंबर पे है. तो अगर 5th नंबर पे है तो ये 7.5 अगर देखी जाए जितनी पॉपुलेशन जितनी उन्होंने पिछाड़ दिया चाइना को, तो उस लिहाज से अगर देखी जाए तो स्टिल उनके होनी चाहिए 10% तक होनी चाहिए. तो फिर अच्छा ये बात भी की गई थी इस इकोनॉमी का फिर क्या फायदा अगर जॉब क्रिएट नहीं हो रहा. कह रहे कि जॉब लेस ग्रोथ हो रही है चाहिए. मैंने यही बात में की जॉब होनी चाहिए. जॉब इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि न्यू कंपनीज जो है मेरे ख्याल से नहीं बन रही, न्यू कंपनीज नहीं बन रही, न्यू फैक्ट्री नहीं बन रही. हाँ तो इस वजह से वो पहुंच नहीं पा रही जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है. तो ये होनी चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि न्यू प्रोजेक्ट्स लाए, न्यू जो है कंपनीज जो है उनको बुलाया जाए, न्यू इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, न्यू आईटी सेक्टर्स बनने चाहिए जिसके थ्रू जो है और लोगों को जो है वो जो पाकिस्तान सबसे लास्ट में था वो अभी भी ज्यादा उन्होंने किया हुआ है. अभी भी ज्यादा सिखाया, अभी भी ज्यादा वन जो हालात चल रहा है जो कि वो कौन सी बैंक ने मेरे ख्याल नहीं IMF पे मेरे ख्याल बताया IMF वाले वो 1 बिलियन के दे रहे हैं बस वो कुछ हो जाए 1 करोड़ के लोग जो है पता नहीं और भी नहीं मतलब गरीबी के जो है वो तो 1 करोड़ तक जो है और भी पॉवर्टी में हो जाएंगे. तो ये इन्होंने अभी भी ज्यादा बोला हुआ जैसे हालात बताए जा रहे हैं आजकल पाकिस्तान के, उस लिहाज से अगर देखिए ये भी बहुत ज्यादा ग्रोथ उन्होंने बताई हुई है. बाकी वीडियो थी सोशल से रिएक्ट कर रहे थे. अगर वीडियो पसंद आए प्लीज फ्रेश चैनल फॉर नेक्स्ट साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए. तुम तो चलेंगे सपोर्ट मिल रहा है स्वाभाविक के लिए. इतना ही, अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.